Assalamualaikum friends, कैसे हो सब? एक दिन आज 2024 का second day है इस तरह। तो मैं और आसिम अभी हम लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। आसिम को पता है कौन सी लोकेशन पे जा रहे हैं? आसिम भी बताएगा कौन सी जगह पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मसरोल डैम। मिसरोल डैम? हाँ मसरोल डैम। मिसरोल डैम बड़ा मुश्किल सा नाम है, मैंने तो पहले कभी विजिट नहीं किया। ये दमियाल के अंदर बहुत ही फेमस और काफ़ी अच्छा डैम है। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कैसा डैम है। थोड़ा सा रास्ते का व्यू बताते हैं आपको। ये रास्ता भी काफ़ी जो है सुनसान सा है, गाँव टाइप का इलाका है। देखते हैं, आप व्यू चेक करें। आसिम से पूछे तो कच्चे के डाकू वगैरह तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, क्योंकि मेरे पास एक सासा मेरा मोबाइल ही है, तो ये ना हो वो भी ना रहे और वीडियो इधर की इधर। हमारी आन, हमारी शान, हमारा मोबाइल। चलो आपका व्यू दिखाते हैं आपको। फाइनली थोड़ी सी ड्राइव, तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के बाद यहाँ पे डैम के पास पहुँच गए। रास्ता यहाँ से थोड़ा ख़राब सा है, तो आगे चल रहे देखते आगे क्या सीन है। ये डैम पे हम लोग मेन गेट है। सो फाइनली यार हम लोग यहाँ पे मिसरोल डैम पे आ चुके हैं और मगरिब का टाइम हो चुका है और यहाँ पर रोशनी भी कम हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी प्यारा और ये मज़े का डैम है। आसिम वो खड़ा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे ये नीचे का व्यू है और वहाँ पे देखें ये बच्चे, इधर कुआँ सा है, इधर नहा रहे हैं और ये पीछे रोड जा रही है, यहाँ पे पीछे कोई सोसाइटी भी बन रही है और डैम है और यहाँ पे आसिम भाई मौजूद है। आसिम भी है यहाँ पे। हाय अस्सलाम वालेकुम। और आसिम भाई कैसा लग रहा है आपको डैम पे आके? हाँ अच्छा लग रहा है, मैं तो यहाँ पे आता रहता हूँ। ये इनका फेवरेट डैम है। मैं फर्स्ट टाइम शायद मैंने बहुत पहले इधर इसको विजिट किया था, मुझे सही याद नहीं है लेकिन। सो गाइज यहाँ पर मैं और आसिम डैम पे हैं और आसिम भाई मेरे साथ हैं। आसिम भाई से एक दफ़ा इसका नाम भी जानेंगे। इस डैम का क्या नाम है आसिम भाई? ये है मसरोल डैम। मसरोल डैम दमियाल में है, दमियाल के पास ही है, 5 मिनट का रास्ता है। ये काफ़ी प्यारा और मज़े का प्यारा डैम है। तो ये कितने अरसे से यहाँ पे बना हुआ है? ये इसको काफ़ी टाइम हो गया यार। अच्छा आप आते ही रहते हो उधर? हाँ मैं यहाँ पे तो हर हफ्ते में चक्कर लगता रहता है मेरा। और ये बहुत पुराना डैम है, यहाँ पे मछली पालते हैं और यहाँ पे पकड़ना अलाउ नहीं है। अच्छा बस पालते हैं, अभी आप दिखाते हैं। तो एक जगह बनी हुई यहाँ पे मछलियों के जो हैं वो बच्चे पालते हैं वहाँ पे। अच्छा और बड़े करते हैं उनको फिर से, मतलब ये डैम जिसके अंडर आ रहा है वो उसकी मलकियत में है। ठीक है, कौन कौन सी मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं? यहाँ पे बोट टाइप की पाई जाती हैं लेकिन पकड़ना यहाँ पे अलाउ नहीं है। ये नाम तो इतना आइडिया नहीं है। शार्क वगैरह होती नहीं? नहीं 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 नहीं, बस नॉर्मल जो खाने वाली होती हैं वो। सही सही, मतलब वो अपने लिए ही उधर उसकी प्रोडक्शन वगैरह करते हैं और उन्हें को। तो ये इतना बड़ा डैम नहीं है, छोटा सा ही है लेकिन काफ़ी प्यारा है, मज़े का डैम है। अभी तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए और इतना खास व्यू आपको यहाँ पे हम दिखा नहीं पा रहे क्योंकि रात का भी टाइम हो चुका है। अगर आपने अगर आना भी है ना तो तकरीबन 4 के आसपास आए, 3-4 क्योंकि सुबह के टाइम तो गर्मी है काफ़ी ज़्यादा और फोटो शूट के लिए अच्छी जगह है, बहुत प्यारी। मेरी यहाँ पे बहुत सारी जो मैं यहाँ पे शूट करता हूँ इसी जगह। हाँ और इनकी आईडी है यूएन 200, आप चेक भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। काफ़ी प्यारी जगह है। तो यहाँ पे स्विमिंग वगैरह भी अलाउ है? लोग यहाँ पे स्विमिंग वगैरह भी करते हैं? स्विमिंग एक जगह बनी हुई है प्रॉपर,
डैम की जो है उस एक छोटी सी जगह है वहाँ पे नहाते हैं, नहीं तो यहाँ पे प्रॉपर तीन चार जगह बनी हुई है जहाँ पे जिनको प्याले कहते हैं, तीन प्याले होते हैं, छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा, वो उस साइड में डैम से आगे हैं वो, वहाँ पे जो है साफ पानी आता है और वहाँ पे तो ये बहुत प्यारा सा यहाँ पे ट्रैक भी बना हुआ है, यहाँ पे लोग जो है वो ये पीछे जो देख रहे हैं ये काफी लंबा है, यहाँ से हम लोग चल के आए हैं। सही हो गया, आप बता रहे थे यहाँ पे कोई बच्चा भी यहाँ पे डूब के, यहाँ पे हम नहा रहे थे ना मैं और मेरे दो दोस्त थे यहाँ पे इस साइड पे ना, दिखा सकते हो ये इस जगह पे अभी तो ये है लेकिन यहाँ पे इस साइड पे ना तो वो नहा रहा था एकदम से जो है नीचे चला गया, वो चार छोटे थे वो नहा रहे थे, उनमें से जो तीन थे वो बाहर आ गए और एक अंदर चला गया, फिर वो बच्चा बचा था नहीं नहीं वो डूब गया था, फिर यहाँ पे जो मालिक था ना डैम का फिर वो आया यहाँ पे और फिर उसको बाहर निकाला, वो तब तक फोत हो चुका था। फिर हम तो फिर बड़ा खतरनाक डैम है फिर, हाँ खतरनाक तो है यहाँ पे, और यहाँ पे ये होता है कि हर साल जो है वो एक जो लड़का है वो लाजमी फोत होते हैं। सही 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 सही, हर साल तो बस आसिम भाई से भी गुजारिश है कि आप यहाँ पे आए बस यहाँ पे फोटो शूट करें, फोटो शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है, स्विमिंग वगैरह हरगिज ना करें, स्विमिंग के लिए इतना मैं अलाउ नहीं करूंगा, ऐसे अच्छा नहीं है स्विमिंग के लिए। तो फाइनली यार आज का छोटा सा व्लॉग एंड कर रहे हैं हम लोग, और बस आने में थोड़ी सी देर हो गई थी और अभी टाइम हो रहा है हमारे पास 8 होने वाले, तो रास्ता भी थोड़ा सा खौफनाक सा है अकॉर्डिंग टू आसिम के यहाँ पे ये खतरनाक लोग रहते हैं काफ़ी, तो मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पे, तो वापस जा रहे हैं। आपने विजिट मेरा देख लिया है इस वर्ल्ड डे में, तो कभी इंशाल्लाह टाइम मिला नेक्स्ट टाइम मैं अगर आया तो इंशाल्लाह ये आपको लाइट में डे दिन में आपको इंशाल्लाह विजिट कराएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये सारा थोड़ा सा गांव टाइप इलाका है और ये कुत्ते वगैरह भी मिलेंगे, असल में ये जो एरिया थोड़ा डेंजरस है रात के लिए, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये हमारा दमयाल है वो शहर में थोड़ा सा है ना, ये गाउन टाइप में थोड़ा सा दमयाल ही या ख्याल वाली साइड में आ रहा है, ये थोड़ा सा डेंजरस में आता है, तो रात के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना डेंजरस है। नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलेंगे, कल प्रोग्राम बनाते हैं, कल आपको मिलेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है करो, लाजमी करो।